तालीम की बात करते हैं। आओ हमारे साथ चलो, इलम दो जिंदा नहीं, इलम दो जिंदा नहीं, हम तालीम की खातिर निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, फसी की खातिर निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, सुहेल वार्ड जस्टिस। मैडम नाम बताएं, तारुफ करवाएं और क्या कहेंगे, मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे हैं, एहतजाज कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया बलोच है, मैं बलोचिस्तान एक्शन कमेटी की सेंट्रल कमेटी की मेंबर हूँ। हम जैसे कि आप सबको पता है कि सुहेल और फसी 1 नवंबर को अगवा हुए थे यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर से, हॉस्टल से, जिसके बाद हमने एहतजाजी धरना दिया था यूनिवर्सिटी के अंदर से, और फिर कमेटी की मुशावरत से जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी उसके भरोसे पर हम उठ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 दिनों में हम इनको बाजियाब करवाएँगे और फिर यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद हमें कोई भी अपडेट नहीं दिया सुहेल और फसी के मामले में। आज जब हम दोबारा जब वीसी से बात करने आए इस मामले में, तो हमें अंदर आने नहीं दिया, यूनिवर्सिटी के अंदर आने नहीं दिया। सिर्फ हम ये पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को कि सुहेल और फसी इसी इदारे के स्टूडेंट्स थे, आपके ही मुल्क के शहरी थे, उनको बाजियाब किया जाए, क्योंकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो मुतासिर हो रहा है। सुहेल और फसी के लापता होने के बाद कोई भी फैमिली अपने स्टूडेंट को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में या बलूचिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे में दाखिला देने से पहले 1000 बार सोचेगा। सर नाम बताएं अपना और मुतालबात क्या है? मेरा नाम असद खान है, मैं जेंडर डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का यूनिट प्रेसिडेंट हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ही। मुतालबात तो सर आपको शायद पहले से बताऊँगे, बहुत सिंपल से है। 1 नवंबर से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर से हमारे 2 दोस्त लापता हुए हैं, जिनके लिए हमने 3 तारीख से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो 3 नवंबर के प्रोटेस्ट आज डेट तक हम लोग कर रहे हैं, मगर हुकूमत की तरफ से जो हमारे साथ मुतालबे हुए थे उनको बाकायदगी से उन लोगों ने सबोताश किया हुआ है। उस हर मुतालबे के जो हमारे साथ उन्होंने किया था उसमें उन्होंने तमाम एकतर एक्टिविटीज़ के बंद करने का वादा किया था, मगर यूँ हुआ है कि लॉ कॉलेज के भी पेपर का वो अनाउंस हुआ है, डेट शीट मेडिकल कॉलेज का भी हुआ है, इसी तरह बाकी की भी ये लोग करने चाह रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हम आए हैं कि हमारे साथ जो वादा किया गया है, जो जबान दी गई है, उस जबान की पासदारी रखी जाए और इस तरह के हथकंडे से बाज आ जाए। और जो 15 दिन का टाइम दिया था, जो कि सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की चेयरमैनशिप में जो हमारे साथ मुआहदा इस बात पर हुआ था, उनके उस दिन के बाद हमारे साथ कोई रबता नहीं हुआ है। वो 15 दिन का टाइम दिया था, हालांकि उनकी जो जबान की बातें थी उस दिन उन्होंने कहते हो सकता है हफ्ते तक आ जाए, मगर ये अभी अब्दुर्रहमान साहब भी तब से लापता है जब तक हमारे दोस्त भी लापता है, और वो हुकूमत की कमेटी भी लापता है जिन्होंने हमारे साथ नेगोशिएशन या बात करनी थी वो भी लापता हुए हैं। हम अपने दोस्तों की बाजियाबी के लिए बैठे हुए हैं, जिस हमेशा से कहते हैं दोस्त कि अगर उनका कोई भी कसूर है, कोई भी जुर्म किया हो, हम पाकिस्तान के कानून के साथ हैं, हम अपने कानून की खिलाफ वर्जी किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो जनरल होता है चाहे जज होता है, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे हर इकदाम पे। अगर हमारे दोस्तों से कोई गलती हुई है तो पाकिस्तान का कानून है, थाने बने हुए हैं, अदालतें बनी हुई हैं, पेश किया जाए। यूं लापता करने से किसी चीज़ का हल नहीं निकलता, अगर निकलता तो आज से नहीं बल्कि 1947 से पाकिस्तान बना हुआ है तब से लापता अफराद का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक ना रियासत को इसका कोई फ़ायदा मिला ना हमें कोई फ़ायदा मिला लापता करके। तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों से कोई भी जुर्म हुआ है तो आप आके पाकिस्तान के कानून के तहत उनको सज़ा दें। अगर इस तरह आप पाकिस्तान के कानून को तोड़ते हैं तो एज अ शहरी मैं अपने कानून को बचाने की हर हद तक जाऊंगा। Justice! Justice! Justice!